please don't mention. It is my pleasure to light a Philip Morris. आपने कैसे जाना कि मैं फिलिप मॉरिस पी रहा हूँ? कुछ लोग लिफाफा देखकर मजबून भाप लेते हैं, हम है जो धुआं सूंघकर सिगरेट पहचान लेते हैं। आपने तो अपनी तारीफ में तुकबंदी कर डाली। अजी साहब, हम सिगरेट भले ही ना पिए लेकिन जब पीते हैं तो सिर्फ फिलिप मॉरिस। अफ्रीका में तो आम है लेकिन बम्बई में जरा मुश्किल से मिलती है। शौक फरमाइए। ओ थैंक यू वेरी मच। अरे इसका बिल भी मेरे बिल में जोड़ना है? वो साहब आपके साथ था। अरे वो मेरे साथ नहीं था, मैं उसे जानता तक नहीं, मैं उसका बिल नहीं दूंगा। वो अफ्रीका से। अरे मुरारी, शंकर तो वो जा रहा है। अरे बुला यार, बुला। ओए शंकर, शंकर, अरे शंकर, अरे ओए शंकर, 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 अरे शंकर, रुको यार शंकर, ओ शंकर, शंकर, अरे यार को क्या हो गया है? अरे शंकर, ओ शंकर, 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 अरे कानों में तेल डाल रखा है क्या? माफ कीजिए, आपको गलतफहमी हुई, मेरा नाम शंकर नहीं। रहने दो यार श्याम, कोई और कारीगर ढूंढे, 20,000 कहीं हाथ से ना निकल जाए। चलो चलो। मुरारी, असामी बोगस है या जेन्युइन? यार आजकल मैं बहुत काम करता हूँ, मैं फिर जेल नहीं जाना चाहता, वहाँ बड़ी तकलीफ होती है यार, पुलिस बहुत मारती है। अरे फिकर मत करो यार, टीम सॉलिड है यार। अच्छा तो चलो। हाँ, पेटी में 15 रेडियो सेट भर दो, 35 खोखे, दोनों को मिक्स कर दो, समझे? क्यों मुरारी? आइए 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 आइए। मोहनलाल जी, आप हैं हमारे वही शंकर पंडोर, आप हैं हमारे सेठ मनोहर लाल जी। नमस्कार। कई धंधे करते हैं, दाल रोटी की खातर क्या कुछ नहीं करना पड़ता, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं शंकर पंडित। खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आपकी सेवा क्या करूं? आप आगे दीजिए ना। मुरारी ने बताया था लक्ष्मी नारायण मंदिर में पुजारी। जी मैं नहीं, मेरे मामा मंदिर के सबसे बड़े पुजारी हैं, और जब कभी वो नहीं होते तो चढ़ाना मैं चढ़ा देता हूँ। मतलब ये कि आपकी लक्ष्मी नारायण मंदिर की मूर्तियों तक पहुँच है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? तो फिर हमारा एक छोटा सा काम कर दीजिए। कहिए। एक विदेशी खरीदार के लिए उन मूर्तियों को चुरा दीजिए। तो आपके पास भी कोई खरीदार आया है? क्या कोई और भी खरीदार है? जी हाँ, और उसे तो उन मूर्तियों में ही भगवान के दर्शन होते हैं। शंकर पंडित, ये मूर्तियों को किसी और को मत दीजिएगा। ये लीजिए 5,000 पेश की, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेहरबानी किस बात की, आप तो धंधा कर रहे हैं ना। शास्त्रों में लिखा है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। मतलब? मतलब कि जितना रुपया खर्च करेंगे उतनी ही जल्दी काम होगा। ठहरिए, ये लीजिए 5,000 और 10,000 पेश की, और जितनी जल्दी काम होगा उतनी ही जल्दी हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। जी बिल्कुल। अच्छा शंकर पंडित जी, आप साफ साफ बताइए कि इस काम के लिए आपको कुल रुपया कितना चाहिए? ये 10,000 तो हमारे लिए, और 20,000 मामा जी के लिए। 20,000? शंकर पंडित, आपके यहाँ बहुत गहरा कुआं खोदने पर ही पानी मिलता है। मनोहर लाल जी, जहाँ दो हाथ खोदने पर पानी मिल जाए वो खारा होता है। अब तो आप ठीक ही कहेंगे, कल सवेरे आपको अपनी मूर्तियां मिल जाएंगी। नमस्कार। शंकर, तुम तो कमाल करते हो यार, चोर के पीछे मोर बनकर पड़ जाते हो। अच्छा यार शंकर, माल तो मिल गया, मूर्ति का क्या होगा? कैसी मूर्ति? कौन सी मूर्ति? शंकर माल मिलने से पहले काम करता है, और माल मिलने के बाद सारी दुनिया को भूल जाता है। ये लो। अच्छा यार शंकर, अपने हिस्से का क्या करोगे? मैं अपने सपने सच करूंगा।
जाग भी जाओ शंकर बाबू, सूरज चढ़ते आ गया है। केदारों मजदूरों के आने का वक्त हो गया है। बहादुर भैया तुम बड़े जालिम हो, कितना बढ़िया सपना देख रहा था मैं। तुम सपने देखते रहोगे और किसी दिन मेरी नौकरी का लफड़ा हो जाएगा। बहादुर भैया तुम अभी शंकर को नहीं जानते, शंकर अपनी जान पर खेल जाएगा लेकिन अपनी खातिर तुम्हारी नौकरी पर आंच नहीं आने देगा। रहने दो बहुत हो गया, लेकिन देखो अब तुम जल्दी से कपड़ा पहनो और यहां से उठ जाओ। अरे बोलो ना, आसपास कोई है जो तुम मुझे अपने पास बुला रहे हो? पहचान के लोगों को पास बनने की आदत पड़ गई है। उधार मांगकर शर्मिंदा मत होना, तुम पर पहले ही 23 रुपए बाकी है। 2 रुपए देकर 25 रुपए सूद के साथ ले लेना। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 4 रुपए है। बहादुर भैया तुम्हें कहीं आना नहीं जाना नहीं, यहाँ तो नौकरी की तलाश में सारा दिन भटकना होगा, भूख लगने पर कुछ खाना भी होगा। देखिए शंकर बाबू, पैसे मांगते हुए जरा मेरे औकात को भी देखिए, मैं तो सिर्फ एक चौकीदार आदमी हूँ। लेकिन मेरे लिए तुम साहूकार हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
बेटा, वन चिली बियर, वन चिकन कॉर्न सूप एंड वन फ्राइड राइस। ओह थैंक यू सो मच, आपने मेरी मुश्किल हल कर दी। जी मैं इतनी देर से सोच रहा था क्या खाऊं क्या ना खाऊं। वेटर हमारे लिए भी यही लेके आना। ये सर। ओ माफ कीजिए साहब, आपकी पसंद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपका ऑर्डर सुनते ही ऐसे लगा जैसे आदमी रेगिस्तान में चलते 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 नखलिस्तान में पहुंच गया हो। वैसे आदमी को अपने देश और आबो हवा के मुताबिक ही अपना खान पान रखना चाहिए। अब जिस शहर में 12 महीने उमस रहती हो वहाँ हल्का खाना ही अच्छा रहता है। अब इस चाइनीज फूड को देख लीजिए, भर पेट खाने के बाद भी आदमी स्मार्ट रहता है, और उसके बाद साहब अगर एक कप कॉफी का हो जाए तो फिर फड़क उठती है। लेकिन साहब कॉफी से बेहतर जैस्मिन टी होती है। जैस्मिन टी? जी हाँ साहब, जिसके नाम ही से फूल की महक आती हो वो कॉफी से बेहतर तो होगी। वेटर को आने दीजिए, ऑर्डर दिए देते हैं। अच्छे खाने पीने वाले आदमी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को मेरा दिल चाहता है। आपकी तारीफ जान सकता हूँ? जी मुझे सुभाष बिंदल कहते हैं, स्टील का कारोबार है। हाँ साहब, एक व्यापारी आदमी ही अपने खाने पीने का ध्यान रख सकता है। आपकी तारीफ? जी मुझे शंकर शरणार्थी कहते हैं। शरणार्थी? यह आपकी जात है क्या? आदमी की जात उसके हालात से मालूम पड़ती है। मतलब? अफ्रीका में लाखों का कारोबार था, वहां से भगा दिए गए तो यहाँ शरणार्थी होकर लौटना पड़ा। अब यहाँ कारोबार जमाने की सोच रहे, जम जाए तो शरणार्थी से पुरुषार्थी हो जाएंगे। बेशक बेशक। हाँ तो साहब चीयर्स। चीयर्स। कहिए साथी साहब, चाइनीज खाने के बाद जैस्मिन चाय कैसी रही? अजी साहब क्या बात है, आपकी पसंद का तो जवाब नहीं। ओह माय गॉड, क्या हुआ? बातों बातों में मैं भूल ही गया कि 1 बजे मुझे किसी पार्टी को फोन करना था। अरे साहब अभी तो 1 ही बजा है। शंकर। तुम्हें मुझसे मिलकर मेरे पास आकर सुख मिलता है ना? तो फिर हम इस सुख को परमानेंट क्यों ना कर ले? मतलब? मेरा मतलब है हम शादी क्यों ना कर ले? मोना, जैसे ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है ना, वैसे ही अगर सुख को बांधा जाए तो वो दुख में बदल जाता है। मतलब? मेरा मतलब है मोना कि तुम तो सुखी हो जाओगी लेकिन मैं बहुत दुखी हो जाऊं। तुम लोगों की राह देखते देखते आंखें पथरा गई और तुम लोग यहाँ बैठे बैठे ताश पीट रहे हो। कहाँ है वो पंडित शंकर? बादशाह बोलो। बदमाश, कहाँ है वो मूर्तियाँ? कौन सी मूर्तियाँ? अरे वही लक्ष्मी नारायण वाली जिनको चुराने के लिए मैंने तुम्हें 10,000 पेश किए दिए थे। आपने भंग तो नहीं पी रखी? मैं एक नेक और इज्जतदार आदमी हूँ, भगवान का भक्त हूँ, भला मैं मूर्तियाँ चुरा सकता हूँ? बेकार की बात, आपने मुझे समझ क्या रखा? डिक्लेयर भाई धोखेबाज, वो मूर्तियां लेकर आ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, जान से मार दूंगा, गला दबा दूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। बचाओ बचाओ, ये नीचा तू मुझे भगवान की मूर्तियां चुराने में मजबूर कर रहा है, बचाओ। गला फाड़ फाड़ कर चला, मैं तेरा गला घोट दूंगा। बदमाश पुलिस, या तू मुझे जान से मार रहा है। पुलिस मनोहर लाल जी ये मर जाएगा तो फांसी में चढ़ जाऊंगा, खून का इल्जाम लगना है तो लग जाए, फांसी लड़ जाऊंगा मगर इसको नहीं छोड़ूंगा। पुलिस, मैं एक एक को बट लूंगा, तुम लोगों का खोर भी जाऊंगा। खूब उल्लू बना है यार। और कोई होता तो साले की सांस की धोखनी बंद कर देता, मूड खराब कर दिया साले ने। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा शंकर फिर कब मिल रहे हो? माफ कीजिए मेरा ख्याल आपको गलत फहमी हुई है, मेरा नाम शंकर नहीं। जी तोबा, बड़ा तोता चश्मा आदमी है यार। अरे दोस्त ये तो उन लोगों में से है, मतलब निकल जाए तो अपने बाप को भी नहीं पहचानते, और वक्त पड़ने पर
गधे को भी बाप बना लेते हैं। ओ मैया बेटा तुझको पुकारे भोली माँ, ओ मैया बेटा तुझको पुकारे भोली माँ। मैं तो आन पड़ा तेरे द्वारे, मुझ पे दया की नजर करो भोली माँ। ओ मैया बेटा तुझको पुकारे भोली माँ। तरस रही है ममता आकर गले लगा दे, देखो तरस रही है ममता आकर गले लगा दे। तीन लोक में शोभा उलती, तीन लोक में शोभा उलती जिनको तेरे सहारे भोली माँ। ओ मैया बेटा तुझको पुकारे भोली माँ, ओ मैया बेटा तुझको पुकारे भोली माँ। मैं तो आन पड़ा तेरे द्वारे, मुझ पे दया की नजर करो भोली माँ। ओ मैया बेटा तुझको पुकारे भोली माँ। क्या हुआ बहन जी, कहीं तबीयत तो नहीं? ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे ही पुराना दर्द फिर ताजा हो गया। जाइए। कोई खाली हाथ नहीं जाता, तू तो जानती है मैं मां बनकर भी निपुती रही। मेरे बेटे को खोए हुए आज 25 बरस हो गए, मैं उसे खोज खोज कर हार गई मां। मेरा दिल कहता है वो कहीं ना कहीं जरूर जीता जागता है। मां मेरा बेटा मुझे मिल जाए तो तू जो कहेगी वो करूंगी। मैं दान पुण्य करूंगी, छत्र चढ़ाऊंगी, उसे लेकर फिर तेरे चरणों में आऊंगी। मां मेरा बेटा मुझे लौटा दे, लौटा दे मां। माई आप जैसी दानी माताओं के प्रताप से धर्मशाला चल रही है। आजकल एक और दूसरा खंड बनाने का विचार हुआ है। यदि आपकी कृपा हो जाएगी तो देवी के दर्शनों के लिए आने जाने वाले यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। इसके लिए कम से कम कितना खर्च होगा? यही कोई 50,000। सेवक राम जी जी,
धर्मशाला के नाम 25,000 का चेक लिख दीजिए। और सुनिए, यहाँ जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए एक एक जोड़ी कपड़ा और 200 टोकरे फल के बटवा दीजिए। और हाँ, एक 25,000 का चेक डॉक्टर साहब के लिए भी लिख दीजिए, मगर इन्हें अपनी क्लिनिक के लिए कुछ डॉक्टरी सामान खरीदना है। धन्यवाद बहन जी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, आप अपने लिए नहीं रोगियों की सेवा के लिए सामान खरीद रहे हैं। ये लीजिए। चाचा क्या बात है, बहुत परेशान लग रहा है। हिसाब से तो मेरे दिल की धड़कन बंद हो जानी चाहिए थी भतीजे। क्यों? बुढ़िया खजाना लुटा रही है, आज मेरे देखते देखते उसने हजारों रुपए दान कर दिए। मैं कहता हूँ हमें जल्दी कुछ करना चाहिए वरना हाथ मलते रह जाएंगे। तो हमें जल्द से जल्द बुढ़िया का बेटा लाना चाहिए। अगर बुढ़िया का बेटा आ भी गया तो हमारे हाथ क्या आएगा? चाचा हमें किसी को बुढ़िया का बेटा बना के लाना चाहिए। लेकिन ऐसा बेटा मिलेगा कहाँ? साला एक्टर होना चाहिए। लो अब एक्टर ढूंढो। चाचा एक अच्छा एक्टर ही बुढ़िया का बेटा बनने का बेहतरीन नाटक कर सकता है। चल तेरी ये बात तो मान ली, अब ऐसा एक्टर कहाँ से ढूंढे? क्रीम ऑफ टमेटो सूप, चिकन करी और राइस और बाद में चॉकलेट आइसक्रीम लाना। मैं इतनी देर से सोच रहा था क्या खाऊं क्या ना खाऊं। बंबई में अच्छा खाना ढूंढना भी एक मुसीबत है। हर रेस्टोरेंट में एक जैसा मेन्यू और हर डिश का टेस्ट भी एक जैसा होता है। मेरा तो कभी कभी खाने को मन ही नहीं करता। मैं तो तब खाता हूँ जब मेरी आंतें भूख से कुलबुलाने लगती हैं या जब मैं ये महसूस करता हूँ कि अब खाए बिना रहा नहीं जाएगा। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है अब बहुत मिलनसार है और अजनबी लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। लेकिन आप ये मत भूलिए, हर परिचित कभी न कभी अजनबी होता है। लेकिन पहले कभी किसी अजनबी ने मुझसे इस तरह परिचित होने की कोशिश नहीं की। अगर आप कोई कोशिश भी करे तो उसे करने मत दीजिएगा। खामोश भी हो जाते हैं। अच्छा खाना हो तो मैं खाते वक्त बात नहीं करता और अगर अच्छा ना हो तो बोलता ही चला जाता हूँ। वैसे भी बातों में खाने का टेस्ट पता नहीं चलता। सूप अच्छा है ना? क्या बात है? इससे प्यारी भूल हुई। क्या? आपका बिल भी मेरे बिल में जोड़ लाया है। अरे बेटा इनके साथ नहीं हूँ, मेरा बिल अलग बना कर लेके आओ। नहीं रहने दो, बिल देने की खुशी मुझे हासिल करने दीजिए। अगर ऐसी बात है तो बिल मैं पे करूँगी। जेंट्स के होते हुए लेडीज पेमेंट नहीं किया करते, इससे जेंट्स के ईगो को तेज पहुँचती है। सुनिए, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ जा रही हैं? शॉपिंग के लिए कला निकेतन। कला निकेतन? सच? क्या बात है। देखिए क्या इत्तेफाक है, जा रहा हूँ। टैक्सी। आइए। कला निकेतन। सुनिए, एक दूसरे से अनजान न रहे तो अच्छा है। मेरा नाम शंकर। मुझे मीरा कहते हैं। एक मीरा मेवाड़ की थी, आप? जी मैं चंबा की मीरा हूँ। लेकिन मेवाड़ की मीरा का गिरधर गोपाल के सिवा और कोई ना था। आपका? मैंने अपना तन मन सब बीमारों की सेवा में लगा दिया है।
ओह डॉक्टर है जी। हाउ नाइस। बंबई में आप? कुछ मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने आए हैं। लेकिन कला निकेतन में तो लेडी डॉक्टर को भी कपड़े खरीदने होते हैं। यस कोर्स। एक शंकर कैलाश बास थे आप? जी मैं बंबई में कई सालों से रहता हूँ। क्या करते हैं? कुछ ना करते हुए भी मैं लोगों को तंग करता। ये सारी भी पैक कर दीजिए। आपकी पसंद की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मुझे भी एक साड़ी खरीदनी है, आप सिलेक्ट कर देंगे? साड़ी आपको किसके लिए? जाहिर है किसी लड़की के लिए। वो आपकी? बस एक फ्रेंड समझिए। साड़ी का चुनाव पहनने वाले का कम्प्लेक्शन मालूम होने के बाद ही किया जा सकता है। आप हमसे मिलाइए तो उनके लिए साड़ी चुन देंगे। उसका रंग रूप बिल्कुल आप जैसा है। मेम साहब कौन सी साड़ी दिखाऊं? ये कैसी रहेगी? पल्लू लेकर दिखाइए ना। मेरा मतलब था पल्लू ओढ़ कर। ये साड़ी तो आप पर खिल उठी है, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। ये साड़ी अलग से बांध दो। सुनिए जी, आपको कहीं छोड़ दो? जी नहीं, वो अगर आपको इतराज ना हो तो मैं आपसे फिर मिल सकता हूँ। वेलकम, कभी भी। होटल वराइजन, रूम नंबर 501। बाय बाय। बाय। हेलो मुरारी, मैं शंकर बोल रहा हूँ। बोल। होटल होराइजन के रूम 501 में मीरा नाम की एक लेडी डॉक्टर आई हुई है। यहाँ 15-20 हजार रुपए का मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने आई है, उस पर हाथ साफ कर दो। राइट। पोलैंड। मुरारी, अरे मुरारी, मुरारी कहाँ है पर्चा? चल जल्दी से मेरा हिस्सा निकाल। निशान, शंकर को इसका हिस्सा दे दो। कॉम्पैक्ट, लिपस्टिक, कंघी, पाउडर जो चाहिए वो ले लो। और हाँ, ये 80 पैसों में से 20 पैसे तुम्हारे। मुरारी मजाक छोड़ और माल निकाल। अम्मा कौन सा माल यार, खाली पर्स उड़ाने में जान के लाले पड़ गए, पुलिस पीछे लग गई। कमाल करते हो यार, हम तो तुम्हें मालदार पार्टी देते और तुम हमें बोस पार्टी देते हो। अच्छा माफ करना यार खामखा, तुझे तकलीफ दी। ये सीधे माल निकालता है या मैं? अंकल, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, समझे? सारा का सारा माल ले ले, हमारी जान बच। ठीक है ना शंकर? तुम्हें गलत फहमी हुई है। क्या हुआ मीरा जी, आप रो रही हैं?
बताइए ना। आपको विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि लोग अक्सर ऐसे बहाने बनाते हैं। मीरा जी, मैं आपकी बात को बहाना कभी नहीं मान सकता। आज जब मैं मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए जा रही थी, एक उचक्का मेरा बैग छीन कर भाग गया। कितने रुपए से? 20,000। 20,000? हाँ, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए। और किसी ने चोर को पकड़ा तक नहीं? नहीं। Oh God. मैं बहुत चीखी चिल्लाई, लेकिन पलक झपकती हुई नजरों से उछल हो गया। मीरा जी, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अब क्या होगा? वापस घर जाऊंगी, और क्या होगा? लेकिन होटल का बिल चुकाने और टिकट खरीदने के पैसे हैं या नहीं? उसकी चिंता तो नहीं, ये काम मैं ये हार बेचकर कर लूंगी। मीरा जी, मैं आपको हार नहीं बेचने दूंगा। लेकिन मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। होटल का बिल चुकाने और टिकट खरीदने की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं तो आपका इक्विपमेंट भी खरीद देता, लेकिन क्या करूं, आजकल मेरा हाथ कुछ तंग है। आप एक अनजान लड़की के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? ये आप क्या कह रही हैं? क्या अब भी हम अनजान हैं? मैं हूं। मैं कौन? वैसे आप मेरे नाम से अभी अनजान हैं। सॉरी, मैं इतनी रात के अनजान लोगों से नहीं मिलती हूँ। जी, मैं बिल्कुल अनजान भी नहीं हूँ। बात यह है कि आज कैबरे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस आपने मुझे को दी थी। मैं आपको आपकी परफॉर्मेंस पर कॉम्प्लीमेंट्स मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इस दरवाजे के गले में पड़ी जंजीर हटाइए ना, मुझे अंदर आने दीजिए। मुबारकबाद तो आप दे चुके हैं, आप अंदर क्यों आना चाहते हैं? खुशी पाने के लिए। लोग यहाँ खुशी पाने नहीं, मुझे खुश करने आते हैं। तो ठीक है, मैं भी आपको खुश करूंगा। किस तरह? मैं आपसे अच्छे अच्छे वादे करूंगा। तो अब एक वादा कीजिए। फरमाइए। इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए और दिन में तशरीफ लाइए। मोना जी, दिन की रोशनी रोमांस की दुश्मन होती है, लेकिन शॉपिंग के लिए A1 होती है, करेक्ट? ठीक है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। गुड नाइट। भतीजे। चाचा। हाँ बरखुरदार, तुम यहां? बच्चू, जिस मतलब से तुम उसका मन महकाने चले आए, उसी मतलब से मैं उसकी मुट्ठी गर्म करने चला आया। तो इसका मतलब है कि मोना ने तुम्हें सब कुछ बता दिया चाचा? हर एक बात। तो मुट्ठी गर्म कर दी?
वो तो करनी ही थी। वो है कहाँ? ताश में जीतने के बाद शावर लेने गई है। ओ एक औरत से हार गए चाचा। औरतों से खेल में हार ही जाना चाहिए भतीजे, ठीक है या गलत? ओल्डी, कौन आया है? तुम्हारा गुलदस्ता। मेज पर टिका दो, कमरा महक उठेगा। बामैन, वन लास्ट गिमलेट प्लीज। बामैन, एक नहीं दो। किसी के ऑर्डर में अपना ऑर्डर जोड़ने की कीमत चुकानी पड़ती है मोना। इन एडवांस। कैसे? होटल में तो मालदार मुर्गे आए हुए हैं, तुम इन्हें जुए में हलाल कर सकोगे? तुमने कैसे जाना? मैं इनके साथ खेल चुकी हूँ। तुम्हें खुश करने के लिए तो लोग जानबूझ कर हार जाते हैं। तो जानबूझ के नहीं हारे। अच्छा, कहाँ है? ये जानने के लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। फरमाइए। जीत के माल में से 25% मेरा। मंजूर। Cheers. सौ ब्लाइंड। मैं पैक। मैं भी पैक। 200 की चाल। 200 की चाल। शो एक्सक्यूज मी ओल्डी, मैं भी आई। बाय बाय। भतीजे। चाचा। ये बरखुरदार किस्मत का सिकंदर है। क्या कह रहे हैं आप? इट्स अ गेम ऑफ चांस। है भी और नहीं भी। खैर बांटो। की ब्लाइंड। 50 ब्लाइंड। 50 ब्लाइंड। 100 की ब्लाइंड। 200 की चाल। 200 की चाल। एक और 200 की चाल। शो। तीन रानियां ले जाओ। बरखुरदार, हम हार कर भी बेहाल नहीं हुए, तुम जीत कर भी घबरा रहे हो? जी नहीं, दरअसल बात यह है कि मुझे इस वक्त एक जरूरी फोन करना था। मैं यही सोच रहा था कि इस वक्त खेल से उठूं या ना उठूं। हाँ हाँ, उठो और जाकर फोन कराओ, इसमें घबराने की कौन सी बात है? अरे आप और यहाँ भाई, कुछ दिनों से हम यहीं ठहरे हुए। अच्छा, मुझे तो मालूम नहीं था। और मालूम भी कैसे पड़ता, हम ताश पीटने में लगे। ताश पीटने में लगे रहे। माफ करना बरखुरदार, हमने तुम्हें किसी खास काम से जाते हुए रोका तो नहीं? जी नहीं, मैं तो बस यूं ही। क्या बात? एक नीली परी देखने जा रहा था। नीली परी? मुजरा। मुजरा? चाचा मुझे देखना है तो चलिए। अच्छा तो भाई, हम जरा हाथ मुंह धो के आते हैं। ठीक है, मैं अपने कमरे में आपका इंतजार करता हूँ। अरे अपने कमरे में अकेले बैठ के क्या करोगे बरखुरदार, हमारे ही साथ आ जाओ, ठीक है या गलत? चलिए चलो। चाचा मैं जरा मुंह धो के आता। जाओ। बरखुरदार,
चेहरे मोहरे से तो तुम किसी ऊंचे खानदान के रोशन चिराग दिखाई देते हो। जी हाँ साहब, आपका अंदाजा सही निकला। मैं दिल्ली के राय साहब मुन्नामल का पोता शंकरलाल। दिल्ली में हमारा स्टील का कारोबार है। ओ, तो बंबई में अपने कारोबार की कोई ब्रांच खोलने आए हो? जी नहीं, यहाँ तो। हाँ हाँ बोलो। कहते हुए कुछ शर्म सी आती है। कोई खोटा धंधा है क्या? जी नहीं, दरअसल मैं यहाँ एक फिल्म प्रोड्यूस करने आया हूँ। फिल्म बनाने? जी हाँ भाई। ये क्यों? असल में यहाँ मेरा एक दोस्त है जो कि कई सालों से असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका है। डायरेक्शन का चांस ना मिलने की वजह से बेचारा बहुत मायूस हो गया था। तो मैंने उसे कहा, घबरा मत दोस्त, मैं तेरे लिए फिल्म बनाऊंगा और तुझे डायरेक्शन का चांस दूंगा। तुम सचमुच मुसीबत में काम आने वाले दोस्त हो। अरे भाई, कुछ हमारी भी मदद करो। हुक्म कीजिए भाई। दरअसल हम भी फिल्म बनाने के सिलसिले में यहाँ आए हुए थे। आप इतना सारा रुपया ब्रीफकेस में लेके घूमते हैं? हाँ देख लो, इतना सारा रुपया लेकर हम घूमते हैं मगर काम अभी तक नहीं हुआ। मैं एक बात सोच रहा था और इसीलिए मैं तुम्हें बड़े गौर से देख रहा था। अगर तुम मेरी फिल्म में हीरो का काम कर दो तो मैं कल फिल्म शुरू करूं। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं और एक्टिंग? तो क्या वो भाई, ऊंचे लंबे खूबसूरत नौजवान हो और रह गई एक्टिंग, वो तो तुम कर ही लोगे, ठीक है या गलत? जी नहीं, बस एक ही फिल्म बनानी है और वो भी अपने दोस्त के खातिर। उसके बाद दिल्ली जाकर अपना खानदानी कारोबार संभालूंगा। भतीजे आजा सर। ये बर्फुरदार भी अपनी ही लाइन के हैं। मौसेरे भाई हैं। सुनी
दिल्ली के राय साहब मुन्ना मल का पोता शंकरलाल होटल के कमरे में चोरी करता हुआ गिरफ्तार। ठीक है या गलत? देखना भतीजे, कहीं बचकर निकल ना जाए। मेरी तरफ से खातिर जमा रखो चाचा। मुझे माफ कर दीजिए चाचा जी, कमीने, खून का रिश्ता जोड़ता है। भूल हो गई, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। जी तो चाहता है कि तुझे भूखे कुत्तों के सामने डाल दूं, लेकिन डरता हूं कुत्ते भी तेरी तरह कमीने ना हो जाए। चाचा, तो फिर इसके साथ क्या सलूक किया जाए? इसे कानून के हवाले कर दिया जाए। ठीक है। नहीं प्लीज प्लीज, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए प्लीज। अब झट। नहीं प्लीज, नहीं नहीं प्लीज, मेरी बॉडी बॉडी कर डालिए लेकिन मुझे कानून के हवाले मत कीजिए प्लीज। चाचा, इसकी बातों में मत आना। हम पहले कब इसकी बातों में आए थे? उल्टा ये हमारे इशारे पर नाच रहा था। हम तुझे माफ किए देते हैं, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मानूंगा, लेकिन एक शर्त है। फरमाइए। हुक्म। गौर से सुनो, चंबा में एक बुढ़िया हमारी रिश्तेदार है, उसकी 50 लाख की जायदाद है। आज से कोई 25 बरस पहले उसका बच्चा घर से भाग गया था और वो अभी तक वापस नहीं आया। सब समझते हैं कि वो मर चुका है, लेकिन बुढ़िया को पूरा पूरा विश्वास है कि वो जिंदा है और एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। बेटे के गम में वो बीमार रहती है और अगर वो मर गई तो उसकी सारी जायदाद ट्रस्टीज के नाम हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बुढ़िया को उसका बेटा वापस मिल जाए और 50 लाख बेटे के नाम हो जाए। और हम चंबा से इतनी दूर यहाँ बुढ़िया का बेटा ही ढूंढने आए। और अब हम तुझे उसका बेटा बनाकर ले जाना चाहते हैं। मुझे? हाँ, तू हर फन मौला है, कारीगर है, तो ही बुढ़िया को विश्वास दिला सकता है कि तू उसका खोया हुआ बेटा है। तब उसका सारा पैसा तुम्हारे नाम हो जाएगा और उस पैसे को हम तीनों बराबर बराबर बांट लेंगे। ठीक है या गलत? ठीक है। मैं खुद भी छोटे छोटे धंधों से तंग आ गया हूँ। सच पूछिए तो मैं भी किसी ऐसे ही बड़े धंधे की तलाश में था ताकि बाकी जिंदगी चैन से काट सकूं। तो फिर तुम्हें मंजूर है? तभी तुमको मालूम नहीं कि माँ जी की हालत कितनी नाजुक है। अभी उन्हें नहीं आया, ऐसा लगता है कि माँ अन्नपूर्णा चली गई तो चंबा अनाथ हो जाएगा। 25 साल से किसी भी चंबावासी ने कभी दुख नहीं। Thank you.
ये बरखुरदार कौन है? मालूम नहीं चाचा, पहले तो कभी नहीं देखा। डॉक्टर साहब, ये ठीक हो जाएंगी ना? अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है, आगे भगवान के हाथ में है। सुने श्रीमती उर्मिला देवी जी, आपकी क्या लगती है? अगर मैं किसी के अच्छे हो जाने की कामना करता हूं तो क्या मेरा उसके साथ कोई संबंध होना जरूरी है? बरखुरदार, ये इंसान की फितरत है कि वो अपनों की भलाई की कामना करता है। अपनों के लिए तो सभी करते हैं, इंसान तो वही है जो सबकी भलाई की कामना करता हो। नौजवान, तुम्हारे बहुत ऊंचे ख्याल आते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चाचा, चलो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। चल भतीजे। मिल गई बेटी। मैं जरूरी दवा भूल गया, एल्डोमिट टैबलेट्स। अभी ले लेते। हे दीन बंधु, हे दीननाथ, सुना है जो भी सच्चे मन से तेरी शरण में आता है, आस्तिक हो या नास्तिक, तू उसके दुख दूर करता है। तूने हाथी की सुनी, तूने मगरमच्छ की सुनी, हमारी भी पुकार सुन ले गिरधर गोपाल, बुढ़िया को बचा ले। कुछ रोज लिए नटवरलाल, वरना हमारा लाखों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है या गलत? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, होश आ गया है। बहन जी, इस अजनबी नौजवान ने रात भर आपकी सेवा की है। तुम जाओ ना, चाहो आराम करो। आप लोग चलिए, मैं यहीं रहूंगा। फिर हमें तुम्हारी देखभाल करनी पड़ेगी। अरे कुछ कर दिया बरखुरदार। अरे मैं तान मार लिया यार, हवेली में हर एक यही जिक्र कर रहा है। कौन है ये अजनबी तीमारदार? बड़े गजब के एक्टर हो शंकर लाल, ठीक है या गलत? बिल्कुल। कोई बुरी खबर तो नहीं? नहीं, रात जब मैंने आपको माजी के कमरे में देखा तो पल भर के लिए मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आपने तो पहचान कर भी नहीं पहचाना। रात के लिए मैं माफी चाहता हूँ, उस वक्त मैं सकते किसी हालत में था, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। बैठिए ना। लेकिन बॉम्बे में आपने एक बार भी नहीं बताया कि आप चंबा की माजी को जानते हैं। मैं खुद भी नहीं जानता था कि मैं माजी के एहसानों के तले दबा हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ या कल मैं जो कुछ होऊंगा, सब माजी के कारण। मतलब? माजी के दिए हुए स्कॉलरशिप की वजह से ही मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर पाया।
हमारा क्लिनिक भी उन्हीं के दिए हुए दान से बना हुआ है। शी इज अ ग्रेट लेडी। और वो इस वक्त आपको याद कर रहे हैं। तो फिर चलिए। चलिए। आप कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। बैठो बेटे। क्या नाम है तुम्हारा? शंकर। शंकर, बड़ा प्यारा नाम है। जितनी बार सुनो भगवान का स्मरण हो जाता है। क्या काम करते हो? जी मैं। मुझसे पूछिए माँ जी, बॉम्बे में जिन लड़कियों के पैसे चोरी हो जाते हैं उनके होटल का बिल चुकाते हैं और उन्हें वापस घर भिजवाने के लिए ट्रेन का टिकट खरीद कर देते हैं। बहन जी, बम्बई में इसी फरिश्ते ने इसकी मदद की थी। बेटा, मीरा तुम्हारी बहुत तारीफ करती थी। और आप सारा चंबा इनके गुण गा रहा है। क्यों, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है? यही तो तुम्हारी तारीफ है बेटे। सब कुछ करते हुए भी तुम ये समझते हो कि तुमने कुछ नहीं किया। यहाँ किस सिलसिले में आए हो? जी मैं आपको देखने आया माँ जी। यहाँ कहाँ ठहरे हो? होटल में माँ जी। होटल में? जी हाँ। इतने बड़े घर के होते हुए होटल में क्यों? जाओ जल्दी से अपना सामान ले आओ। जी नहीं, आपको खामखा तकलीफ होगी। तकलीफ तुम्हारे ना आने से जरूर होगी। लेकिन माँ जी, एक ना सुनिए, मैं अभी जाकर इनका सामान लेकर आती हूँ। विशन काका, चलो। मैं रात को फिर आऊंगा। नमस्ते। बरखुरदार, आज तो तूने कमाल कर दिया यार। आज एक नया गुल खिला दिया तुमने। बरखुरदार, बचपन में रंजीत भी अपनी माँ को इसी तरह से फूल लाके देता था, आज तूने बुढ़िया को उसका बेटा याद दिला दिया। यार, इसी रफ्तार से चले ना तो दो चार रोज में सारी जायदाद हाथ हाल हो गए। मलखान जी सरकार, एक डबल मेरी तरफ से। बहुत अच्छा। और सुनो जी, एक मेरी तरफ से। बहुत अच्छा सरकार। ज्यादा नहीं पीऊंगा, कहीं हवेली में किसी को महक ना आ जाए। बहुत सयाने हो बरखुरदार, लेकिन एक गलती कर रहे हो। मीरा से ज्यादा मेलजोल बढ़ाना ठीक नहीं। प्यार की भूल भुलैयों में आदमी अक्सर भटक जाता है। बिल्कुल गलत। मीरा मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। Thank you.
ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसा करना मेरे लिए बहुत जरूरी है मीरा। क्यों, किस लिए? मैं प्यार को ऊपर उठाना चाहता हूँ। झुका कर गिरा कर, मैं समझी नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ मीरा, तब तक तो मेरे जीवन में नहीं आई थी, तो मैं अकेला था, बिल्कुल अकेला। और फिर तुम आई एक महकते हुए गुलाब की तरह, तुम्हारा नाम मेरे दिल में मंदिर की घंटी की तरह बजने लगा, और मेरे होंठ प्यार को व्यस्त करने के लिए कांप उठे। इसलिए आज मैं झुककर अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। प्यार का इजहार झुककर नहीं, गले लगाकर होता है। कि पतंग को मत छुआ कर, जानता है पहले भी तू कई बार पतंग उड़ाते हुए गिर चुका है, तेरे हाथ पांव टूट गए, तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बोल, अब तू जाएगा पतंग उड़ाने? जाएगा? बोल। अम्मा जी के बच्चे, मैंने तुझे कितनी बार मना दिया, फिर भी तू नहीं सुनता। बोल, अब जाएगा, जाएगा पतंग उड़ाने? तुमने कभी पतंग हाथ में ली तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, समझा? Thank you.
मारो, मैं नहीं उड़ाऊंगा, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा अम्मा जी, नहीं अम्मा जी, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा अम्मा जी, नहीं अम्मा जी, मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा अम्मा जी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मिल जाएगा मुझे, मेरा खोया हुआ बेटा। कोई तकलीफ तो नहीं है? क्या बात करते हैं आप, तो मुझे उस होटल से निकालकर इस प्यारे माहौल में ले। जिसकी जरूरत नहीं है आपको, जरूरत पूरी होने पर भी जरूरत बनी ही रहती है। तो फिर कहिए, मांग पूरी ना होने का डर हो तो कहते हुए ठीक होती है। झिझकेंगे तो बाद में पछतावा होगा। अगर क्लिनिक में मरीज आपका इंतजार ना कर रहे हो तो आसपास की सैर करा दीजिए। तो फिर चलिए, आपका कुदरती इलाज किया जाए। Thank you.
वो बचपन में मुझे फूल लाकर दिया करता था, उसी तरह एक दिन शंकर ने मुझे फूल देकर हैरान कर दिया। बच्चा होते हुए भी रंजीत मेरे लिए आरती का दीप जलाया करता था, और आज भी वो दीप जलाना नहीं भूला। तो अब सब कुछ उसे बता क्यों नहीं देती? कैसे बताऊं, कहीं वो फिर भाग गया तो? जानती हो, बचपन में जब पतंग उड़ाने से बाज नहीं आता था तो मैं उसे बहुत मारा करती थी, और मार खाकर वो डर जाया करता था। उसी डर के मारे वो एक दिन घर छोड़कर भाग गया, और वो डर आज भी उसके मन से नहीं गया। सेवक राम जी, इस खुशी के मौके पर आप रो रही हैं बहन जी, लड्डू मंगवाइए और सब कम मीठा करवाइए। माँ बेटे का मिलन तो हो जाए तो डॉक्टर भैया, फिर देखना मैं हर चंबावासी का मन लड्डू से भर दूंगी।
अरे शंकर, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अरे थिंक ऑफ द डेविल एंड देयर ही इज करेक्ट। लेकिन भाई साहब, ये गले में कैमरा वैमरा क्या लटका फिर रहे हो आज? मीरा की कुछ तस्वीरें खींच रहा था। मीरा की तस्वीरें? लेकिन भाई साहब, ये जीती जागती मीरा की जगह उसकी तस्वीरें आपका दिल नहीं बहला सकेंगी। कल जब मैं यहां से चला जाऊंगा, चले जाओगे तो उसकी तस्वीरों के सहारे जी सकूंगा। कम से कम उसकी परछाई तो मेरे साथ रहेगी। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? माँ जी अब ठीक हो गई हैं और यहां मेरे रहने का कारण भी तो नहीं है, और फिर बंबई में मेरे कारोबार को हर्जा हो रहा है। लेकिन तुमने मीरा से अपने जाने का फैसला कह दिया? आज मैंने उसे कई बार कहने की कोशिश की लेकिन कह नहीं सका। तीर निशाने पे लग गया है बरखुरदार। मर जाएगी मेरे यार। क्या कहा, वो फिर चला जाएगा? हाँ माँ जी, 25 साल के बाद आकर फिर चला जाएगा। मुझे दुख की बातें में झोंक कर अब मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ। मैं बदल चुकी हूँ। अब मैं तुझसे डर के रहने के लिए तैयार हूँ। मुझे मत डरो, मुझे मत डरो बेटा। लेकिन माँ जी, सच मत बताए बिना उन्हें जाने से कैसे रोका जा सकता है? मगर कैसे कहूँ, कहीं वो फिर डर गया तो, फिर चला गया तो मैं कहीं के नहीं रहूंगी। मेरा बेटे, तुम ही कुछ करो, किसी भी तरह उसे रोक लो, रोक लो बेटे। अरे मीरा, तू और यहाँ? आपने मेरे खेल था और खत्म होने तक मजाक। खेल मजाक, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे लिए तो मैं यहाँ आया था। पहले तब कह रहे थे माँ जी की बीमारी की खबर सुनकर आए थे। मीरा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं माँ जी की बीमारी सुनकर आया था और तुम्हें भी एक झलक देखना चाहता था तो? मीरा, तुम समझती क्यों नहीं, मेरे यहाँ से जाने की बात में खास वजह है। बयान कीजिए। तुम समझोगी नहीं। ये आप समझा नहीं पाएंगे। मीरा, मुझ पे भरोसा करो, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और फिर बड़ी धूमधाम से तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। साफ साफ क्यों नहीं कह देते, बहाना बनाकर क्यों जाना? लड़की नहीं जिसे बहकाकर मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तुम एक डॉक्टर हो, लोगों की नफ्स पहचानती हो। हाँ, आदमी की नफ्स को तो पहचाना जा सकता है लेकिन किसी के भावन पर काबू नहीं पाया जा सकता। अब जब तक तुम नहीं कहोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हाँ। ओ शंकर, पहले पैसा और जमीन जायदाद जो ट्रस्टीज के नाम थी, अब वो रंजीत के नाम कर लीजिए। आपके कहने के मुताबिक नई वसीयत हाजिर है। यहां साइन कर दीजिए। प्लीज सर। शायद कार्रवाई रंजीत को जाने से रोक दे, पता नहीं कब प्राण निकल जाए, इसलिए मैंने उसकी अमानत उसी को सौंप दी। अब मैं चैन से बैठ सकूं। मुबारक दे रहे। अरे वसीयत तैयार होने की शंकर लाल। वसीयत? मेरा ख्याल है आपको गलतफहमी हुई है। मेरा नाम शंकर लाल नहीं, रंजीत है। ठीक है, यह गलत। भतीजे, ये हमसे ठट्ठा कर रहा है? नहीं चाचा, वसीयत अपने नाम होते ही आंखें बदल रहा है। भतीजे, इससे कह दे कि हम इसकी आंखें निकाल लेंगे। शंकर, पाले के दिनों में सांप के मुंह में उंगली दी जा सकती है। लेकिन ऋतु सदा पाले की नहीं रहती। Thank you.
तुम्हें पहले ही कहा, ये तो सदा पाले के लिए ही रहती है। तो फिर रही है, बर्फ पिघल रही है और लू चलने लगी है, और अब आसमान से आग बरसेगी। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। कमीने, फिर खून का रिश्ता जुड़ रहा है। हम ऐसे बच्चों को जमीन पे पटक दिया करते हैं जो गोद में बैठ के दाढ़ी पे हाथ डालें। ठीक है या गलत? आओ बेटा। आपने मुझे बुलाया है? बैठो। मुझे मुझे तुमसे एक सलाह लेनी थी। जी, मुझसे? मैंने मन्नत मानी थी, जब मेरा मेरा मतलब है जब मेरी बीमारी ठीक हो जाए मैं वैष्णो देवी के दर्शन को जरूर जाऊंगी। लेकिन अभी आपका जाना ठीक नहीं। डॉक्टर भैया भी साथ जा रहे हैं और मेरा भी। डॉक्टर साहब जा रहे हैं तब तो ठीक है। मेरी इच्छा थी तुम भी मेरे साथ चलते। जी, मैं वहां क्या करूंगा? तुम वहां मां के दर्शन करोगे। जी, बहुत अच्छा। पता नहीं रकम कब मिलेगी और मालूम नहीं ये कमबख्त बुढ़िया कब मरेगी। अब तो उसके मरने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। बेटे के आने की खुशी में दिन ब दिन भली चंगी होती जा रही। सुना है बुढ़िया वैष्णो देवी जा रही है। वो तो ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा? रकम जब ही मिलेगी जब बुढ़िया मरेगी। क्यों ना कटरे में पहली ही रात उसका काम तमाम कर दिया जाए। वाह चाचा वाह। क्यों बरपुरदार, ठीक है या गलत? जय माता जी। सीढ़ियां किस तरफ है? उस तरफ है। माता जी के दर्शन को जाना है। रास्ते में कुछ कठिनाई वगैरह तो नहीं है? बरसात की वजह से रास्ता खराब तो हो गया, लेकिन मान सकते हो। जय हो माता जी, जय हो। माता जी की जय हो, जय हो। पधारिए माता जी, पधारिए। सामने वाला कमरा खोलो। आइए माता जी, आइए 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 आइए। शंकर, बुढ़िया सोई या नहीं? मालूम नहीं। देखो, जब वो रात को पानी मांगे ना तो इसकी दो बूंदे मिलाकर उसे पिला देना। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक में भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मैंने तो सिर्फ वसीयत अपने नाम करवाने की जिम्मेदारी ली थी। और वो तुमने बखूबी निभाई। वसीयत का पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए बुढ़िया का मरना बहुत जरूरी है। लेकिन वो तो चंद दिनों की मेहमान है और धोखा दे गई तो 10-30 बरस अगर वो ईश्वर को प्यारी ना हुई तो हमारी उम्मीदों का जनाजा निकल जाएगा। ठीक है या गलत? शंकर, इस गुमान में मत रहना कि तुम बुढ़िया के जीते जी अपने खूबसूरत सपने पूरे कर सकोगे। और अगर हम बुढ़िया की दौलत का भी फायदा ना उठा सके तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे और तुम्हें कानून के हवाले कर देंगे। हाँ, yeah।
आसार, कोई हाथ लगा नहीं सकता जिस पे तेरा हाथ। ओ मैया बेटा तुझको पुकारे भोली माँ, ओ मैया बेटा तुझको पुकारे भोली माँ। मैं तो अनपढ़ा तेरे द्वारे, मुझ पे दया की नजर करो भोली माँ। रंजीत तू ही मेरा रंजीत है, तू ही मेरा रंजीत है बेटा। ये सच है बेटे, जब से तू मेरे पास आया है तूने अनजाने में कई ऐसे काम किए हैं जो 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 बचपन में तू किया करता था। आजा बेटे, उस दिन में मैंने तेरी आंखों में डर का वही भाव देखा जो मेरे सामने पड़ते ही रंजीत की आंखों में आ जाया करता था। मैंने सोचा अब मैं अपने बेटे से डर कर रह लूंगी, लेकिन लेकिन उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। मेरी कठोरता के कारण तुझे इतने साल बर्बाद भुगतना पड़ा, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना बेटे, क्षमा कर देना। तेरे साथ जो मैंने अन्याय किए हैं उसकी कमी तो पूरी नहीं कर सकती, बस ये तेरे नाम करती है। ये लो, ये उन अलमारियों की चाबियां हैं जिनमें तेरे दादा परदादा के समय के जेवर पड़े हैं। अगर समय के लिए भगवान मुझे और जीवन दे देता तो मैं दुनिया की हर खुशी तुझ पर निछावर कर देती बेटे। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या एक बार मुझे मां कहते नहीं बुलाएगा? अगर तूने मुझे माफ नहीं किया ना तो मुझे परलोक में भी शांति नहीं मिलेगी। आगे कांटे पीछे कांटे कांटे दाए बाए, हो
का नाम लिया तो कांटे फूल हो जाए, जगदम्बे का नाम लिया तो कांटे फूल हो जाए। जिसको राखे तू जग जल ली, जिसको राखे तू जग जल ली, कौन भला उसे मारे भोली माँ। बेटा तुझको पुकारे भोली माँ, ओ मैया तुझको पुकारे भोली माँ। जाने कितने कब जीना कब मरना, तेरी जोत से जोता वाली, तेरी जोत से जोता वाली, चमके चांद सितारे भोली माँ। तुझको पुकारे भोली माँ, ओ मैया बेटा तुझको पुकारे भोली माँ। भगवान खड़े हो एक तरफ माँ प्यारी, एक तरफ भगवान खड़े हो एक तरफ माँ प्यारी, पहले माता को मैं पूजूं फिर भगवान की मारी, पहले माता को मैं पूजूं फिर भगवान की बारी। तेरी कर ली कोई नचा ले, तेरी कर ली कोई नचा ले, ऋषि मुनि सब हारे भोली माँ। भैया बेटा तुझको पुकारे भोली माँ, ओ मैया तुझको पुकारे भोली माँ। मैं तो आन पड़ा तेरे द्वारे, मुझ पे दया की नजर करो भोली माँ, ओ मैया बेटा तुझको पुकारे भोली माँ। अरे जोर से बोलो जय माता दी, और प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, अरे मीठा बोलो जय माता दी, ओ सारे बोलो जय माता दी, मैया जय माता दी, मैया बेटा तुझे एक बार उनको होश मिला दो ताकि मैं सब कुछ उनको। लेकिन अगर सच्चाई को सहन न कर सके तो फिर दौरा पड़ गया तो नहीं नहीं
लेकिन माँ जी आप अभी जाने के काबिल नहीं है। नहीं बेटा, मैं माँ के दर्शन को जरूर चाहूंगी। माँ जी हट मत कीजिए, अब जब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो हम सब फिर आएंगे माता के दर्शन के लिए। अरे बेटी, जिस देवी की कृपा से माँ और बेटे का मिलाप हुआ उसके दर्शन के बगैर लौट जाओ। बहन जी राह बड़ी कठिन है और अभी आपका जीवन खतरे में है। कोई बात नहीं डॉक्टर बाबू, मैंने मन्नत मानी है, पता नहीं कब प्राण निकल जाए। मैं इस उधार के साथ मरना नहीं चाहती। चलो बेटे, हम माँ के दर्शन को सकते हैं। ठीक है माँ जी, हम जरूर चलेंगे, लेकिन अभी सवेरा होने में वक्त है, आप आराम कीजिए। शंकर दगा दे गया हमें। यस। अब बुढ़िया वाला काम हम ही को करना होगा। लोगों के जागने का वक्त हो गया है, चलो अभी चलकर बुढ़िया को खत्म कर दें। चलो चलो।
बेटा। नहीं नहीं, मुझे बेटा मत कह, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। मैं एक चोर हूं, धोखेबाज हूं, एक कमीना इंसान हूं। मैं तेरा बेटा नहीं हूं। ये तू क्या कह रहा है? ये सच है, मैं सच कह रहा हूं। मैं तेरे इन कमीने रिश्तेदारों के साथ मिलकर तेरी 50 लाख की जायदाद लूटने आया था और तेरा बेटा होने का ठोक कर रहा था। अपनी अमानत वापस ले ले। मैं रंजीत नहीं, मैं शंकर हूं। शंकर, मुझे सजा दो, मुझे कानून के हवाले कर दो, मुझे कानून के हवाले कर दो। नहीं बेटा, तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ? अपने भी तो कपूत होते हैं। तूने जो कुछ मेरे लिए किया, शायद मेरा अपना बेटा भी नहीं करता। नहीं नहीं, मैं तेरी दया, ममता और भरोसे के काबिल नहीं। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। तू ही मेरा बेटा है, तू ही मेरा बेटा है। माँ, माँ, मरने से पहले तुमने बेटे से मिला दिया, मेरा सारा दुख सुख में बदल दिया। बेटे, तूने मां से कुछ नहीं मांगा? जानबूझते मैंने जो पाप किए हैं उनके लिए मुझे क्षमा कर देना मां।